दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद के लिए बिना एक रुपए खर्च किए हुए यूरोपियन कवर लेटर बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, सीवी कैसे बनाना है ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है अपने चैनल पे, मेन चैनल पे भी और सेकंड चैनल पे भी, दोनों चैनल्स पे मैंने वीडियो डाल रखी है। दोस्तों अगर आप खुद के लिए यूरोपियन सीवी बनाना चाहते हैं खुद से फ्री में, तो आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। और बहुत लोगों की मतलब रंजिश थी मुझसे कि भैया आपने हमें कवर लेटर बनाने का तरीका तो बताया ही नहीं, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर लेटर बनाने का तरीका भी बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे जाकर के, जो कि europa.eu की वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप इस अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वो सीवी वाली वीडियो में बता रखा है दोस्तों, आपके लिए जो है वीडियो आई बटन में डाल दूंगा, आई बटन जाकर के चेकआउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है दोस्तों, जब आप अपने लिए सीवी बना लेते हो तो वहीं पर एक ऑप्शन आता है यूरोपियन कवर लेटर बनाने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप यूरोपियन कवर लेटर बना सकते हैं खुद के लिए, एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मुझे मत दो, किसी भी यूट्यूबर को मत दो, आप अपने लिए बना लो अगर आप बना सकते हो तो, और अगर नहीं बना सकते हो तो फिर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स आपको मिली जाएंगी, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। यूरोपियन फॉर्मेट बनवा सकते हो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, न्यूजीलैंड, कहीं का भी फॉर्मेट बनवा सकते हो और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, अभी आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, काम की बात कर लेते पहले और आपको पूरा का पूरा तरीका बताता हूं क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कैसे आपको जो है अपने यूरोपियन कवर लेटर का फॉर्मेट सेट करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको यूरोपास यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूँ। इस वेबसाइट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप अगर हमारी दूसरी वीडियोस में जाकर के देखेंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ईजिली आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर अपना सीवी और कवर लेटर फ्री में बना सकते हैं। दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ तक आने का, तो आई बटन में आपके लिए वीडियो डली हुई है, उस वीडियो में आपको यूरोपास सीवी बनाने का तरीका पता चल जाएगा और उसके बाद जो है आप अकाउंट क्रिएट करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीवी वगैरह की सर्विसेज मिलेगी आपको, कवर लेटर की सर्विसेज मिलेगी, लेकिन इस वीडियो में जो है दोस्तों आपको सीवी बना के नहीं दिखाने वाला हूं, सिर्फ कवर लेटर बना के दिखाने वाला हूं, क्योंकि सीवी बना के दिखाऊंगा तो आधे घंटे की वीडियो चली जाएगी। यहां पर सिंपली आप एक ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट अ कवर लेटर का, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। यहां पर फिर तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, इंपोर्ट यूरोपास कवर लेटर, अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट से कवर लेटर बना रखा है तो आप जो है इंपोर्ट यूरोपास कवर लेटर पर क्लिक करके उस कवर लेटर को इंपोर्ट कर सकते हो, इस वेबसाइट पर ला सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम माई लाइब्रेरी, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों क्रिएट न्यू कवर लेटर, यहां क्रिएट न्यू कवर लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है हमें। और उसके बाद दोस्तों हमारे के सामने जो है एक पूरा का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें हमें सारी की सारी डिटेल्स भर लेनी है, जो जो चीजें हमसे मांगी जा रही है वो सारी चीजें भर लेनी है दोस्तों। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जरूरी होगा, यहां पर अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है तो आप डॉट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये ऑप्शन मतलब खाली ना रहे, अगर ऑप्शन खाली रहेगा तो आप अपने कवर लेटर को सेव नहीं कर पाओगे दोस्तों। एड्रेस लाइन में आप जो है अपना घर का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, उसके बाद आसपास का लैंडमार्क वगैरह डालिए, पोस्टल कोड डालिए, सिटी डालिए और उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। फोन नंबर वाले ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन होंगे, होम का फोन नंबर डाल रहे हैं, वर्क फोन नंबर डाल रहे हैं, अपने मोबाइल का डाल रहे हैं या फिर अदर, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो है कंट्री कोड यहां पर सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, कंट्री कोड के लिए आप कंट्री भी टाइप कर सकते हैं, जैसे इंडिया है तो INDIA टाइप कीजिए या फिर नंबर भी टाइप कर सकते हैं 91 91। टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने लिस्ट में जो है इंडिया आ जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना फोन नंबर डालना है, आपको एम्प्टी नहीं रखना है। और साथ ही दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो फोन नंबर मैं यूज कर रहा हूं ये एक फेक फोन नंबर है, ताकि मेरे पास कॉल और मैसेजेस ना आए। प्लीज दोस्तों आप इस नंबर पे जो है कोई भी मैसेज या कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर जो है इसीलिए मैं फेक यूज करता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने नंबर डाल करके परेशान हो चुका हूँ। यहाँ पर फिर आपको ईमेल डाल लेना है दोस्तों, उसके बाद जो है एक इंस्टेंट मैसेजिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपने सोशल मीडिया नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है आजकल सबको यूज़ कर रहा है दोस्तों, तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है, कंट्री कोड के साथ डालिएगा दोस्तों ताकि एम्प्लॉयर परेशान ना है। उसके बाद सेव कर देना है, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वगैरह वगैरह सब कुछ। उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजना चाहते हैं, कंपनी के बारे में आपको पता है, कंपनी में कौन आपको हायर कर रहा है वो उसके बारे में आपको पता है, तो उसका नाम ऐड कर सकते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं, उस कंपनी का एड्रेस ऐड कर सकते हैं और उसके पोस्टल कोड, सिटी वगैरह, कंट्री वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं पता है दोस्तों तो सिंपली जो है दोस्तों आप यहाँ पर कैंसिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और उस सेक्शन को खाली छोड़ दीजिए, उस सेक्शन को भरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सिटी, डेट और सब्जेक्ट भरने की। अब आपके पास, आपको पता नहीं है कि भैया आप कब जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कब आपको कवर लेटर यूज़ करना पड़े, इसीलिए सिटी डेट भी मत डालिए, ये ऑप्शनल चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर बस सब्जेक्ट जरूर डाल लीजिएगा, सपोज आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस पोस्ट का नाम डालते हुए आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लीनर। अभी मैं एक मेडअप चीज़ डाल रहा हूँ यहाँ पर, क्लीनर की जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आ चुका है दोस्तों। उसके बाद ओपनिंग सैल्यूटेशन आएगा, लास्ट नेम आएगा, यानी कि जिस भी बंदे
बंदे के पास, जिस भी हायरिंग मैनेजर के पास आप भेज रहे हैं, उसका नाम और उसका ओपनिंग सैल्यूटेशन या फिर डियर सर वगैरह वगैरह। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप सिंपली यहाँ पर डियर टाइप कर सकते हैं दोस्तों, और लास्ट नेम में लिख सकते हैं हायरिंग मैनेजर या फिर एचआर मैनेजर। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ऐड कर लेनी है, और ऐड करने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी में जो है आपको अपने बारे में चीज़ें लिखनी होती है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको जो है अपने मेन बॉडी यानी कि जो कंटेंट है आपके कवर लेटर का, उसमें शुरुआत कैसे करनी होती है। सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी होती है दोस्तों अपने बारे में बताते हुए कि हाँ, दिस इज़ सौरभ, मुझे इतने इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों कि आपको ये क्यों लगता है कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के लिए आप सुटेबल हो, या फिर आप जो उस जॉब के लिए ही बने हुए हो। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यही होता है दोस्तों, व्हाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर द रोल। अब आपको इसमें जो है अपने बारे में चीज़ें बतानी होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होती है। आपको जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है, क्लियर करके बताना होता है दोस्तों कि आपने पहले ये सारी चीज़ें काम कर रखी हैं। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तभी बताइएगा, अगर रेलेवेंट नहीं होगा तो मत बताइएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना है कि आपके पास जॉब से रिलेटेड कौन कौन से स्किल्स हैं, रेलेवेंट स्किल्स क्या क्या हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह के बारे में बताना है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप बता देते हैं दोस्तों, तो आपको जो है रीजनिंग देते हुए कि आप इस मतलब जॉब रोल के लिए सुटेबल क्यों है, रीजनिंग देते हुए दोस्तों साइन ऑफ कर देना है। साइन ऑफ में आपको जो है याद रखना है कि आप अपना फोन नंबर और ईमेल इंक्लूड करेंगे, लेकिन हाँ, जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को तो आप एक चीज और ऐड ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। आप ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको इस जॉब रोल के बारे में कहां पता चला, मतलब किस वेबसाइट पे आपको इस जॉब के बारे में पता। सपोज आप इंडीड से इस जॉब के बारे में जानते हो, या फिर आप अगर आप सीक की वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे थे, वहां से आपको इस जॉब के बारे में पता चला और फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आप जो है रेफरेंस जरूर डाल देना दोस्तों कि आई हैव सीन योर जॉब एडवर्टाइज्ड ऑन दिस 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 वेबसाइट एंड दैट इज वाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है अपने बारे में बताना, एक्सपीरियंसेस वगैरह के बारे में बताना। और फिर लास्ट जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको जो है साइन ऑफ कर देना है अपना ऑफिशियल फोन नंबर और ईमेल डालते हुए। याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक ऐसा फोन नंबर यूज करना है, एक ऐसा ईमेल आईडी यूज करना है जो कि आप हमेशा एक्सेस कर सको, और आप मतलब आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी फोन नंबर को आपने ऐड कर दिया और वो फोन नंबर हमेशा बंद रहता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। जब एक बार आपका कॉन्टेंट पूरा हो जाता है दोस्तों, आप अपने बॉडी को फुल कर लेते हैं, मतलब बॉडी एज इन की ईमेल इस कवर लेटर के बॉडी को फुल कर लेते हैं, तो आपको जो क्लोजिंग करनी होती है दोस्तों, यहाँ पर आप काइंड रिगार्ड्स या फिर योर फेस फेथफुली या योर सिंसियरली यूज करते हुए अपना नाम डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें सेव करने के बाद आपको जो है नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चार फॉर्मेट दिए जाते हैं दोस्तों, इन चारों फॉर्मेट्स में से एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ कलर्स दिए जाते हैं, जिस कलर को आप सिलेक्ट करके जो है अपने कवर लेटर को थोड़ा सा रंगीन बना सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मेट दिख रहा है ग्रे कलर का। और उसके बाद जो है दोस्तों, जब आपका कवर लेटर रेडी हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर अपने कवर लेटर को एक नाम देना होता है। सिंपल सा कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों, आप सौरभ एस ए वगैरह वगैरह भी लिखोगे तो भी आपका जो है कवर लेटर अपने हिसाब से डाउनलोड होता है। आप देख सकते हैं सी एल सौरभ आनंद के नाम से डाउनलोड हुआ है, यहाँ पर ये मेरा कवर लेटर बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने लिए फ्री कवर लेटर बना सकते हैं बिना किसी को एक रुपए दिए, तो वेट मत कीजिए, जल्दी कीजिए। देखा दोस्तों कितना आसान है खुद के लिए यूरोपियन कवर लेटर बनाना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खुद से बनाना है या फिर किसी को पैसे देकर के बनाना है। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी तरीके से असक्षम हैं, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आपको मतलब पता है कि क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें ऐड करनी है, तो भैया आप खुद के लिए अपना एक कवर लेटर बना सकते हैं। आज की वीडियो का मोटिव यही था कि जो लोग किसी को पैसा देने से कतराते हैं या फिर फ्रॉड होने से डरते हैं, क्योंकि हैं बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। जाइए europa.eu की वेबसाइट पे, खुद के लिए सीवी भी बनाइए, कवर लेटर भी बनाइए दोस्तों। बहुत इजी प्रोसेस है, एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री वेबसाइट है, फ्री में आप अपना यूरोपा सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।